हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। फाइनली एक और सुपरमार्केट की वैकेंसी चली गई है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अब वैकेंसी जाने वाली अप्रैल तक सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, रेस्टोरेंट, फ्रेशर लोगों के लिए भरमार वैकेंसी जाएगी। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखना और दूसरे तक भी आप लोग शेयर ज़रूर करना। ओके, तो चलो इसके बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ। बिंदाउद सुपर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, वो थैम और लुलु के जैसे ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। इसके बारे में सब आपको बताने वाला हूँ कि ये ऑफिस कौन सा है, कौन सा ऑफिस में गया है, कितने तारीख को इंटरव्यू है, सैलरी क्या है, मार्केट के बारे में सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, लास्ट तक देख लेना ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, ऑफिस के बारे में भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, क्या सही है क्या गलत है, पूरा चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलो बताते हैं इसके बारे में, स्टार्ट करते हैं। कंपनी जो है सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट, बहुत बड़ी मार्केट है ये, बिंदाउद है। ठीक है, एक दनूब आता है, इसका ही पार्टनर एक बिंदाउद आता है, तो ये बिंदाउद का है, दनूब का नहीं है। ठीक है, तो बिंदाउद सुपर मार्केट का है। इसमें मर्चेंडाइजर और सेल्समैन की ज़रूरत है। मर्चेंडाइजर का वर्क और सेल्समैन का वर्क, इसके बारे में बात कर दें। मर्चेंडाइजर वही जो आपको ये फ़ोटो में जो दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे मर्चेंडाइजर में यही वर्क होता है कि आपको सामान जो है ट्रॉली से लेकर में, ट्रॉली में जो सामान रहेगा वो आपको लाइन बाय लाइन लगाना रहता है मार्केट में। ओके, उसका एक्सपायरी डेट चेक करना रहता है, प्रोडक्ट कब बना है, कब एक्सपायर हो रहा है। ओके, क्वांटिटी पूरा आपको लगाना पड़ता है मार्केट में। ठीक है, साबुन हो गया, तेल हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, वही सब चीज़ें आपको लाइन बाय लाइन लगाना रहता है, उसका एक्सपायरी के हिसाब से आपको लगाना रहेगा। ओके, ये मर्चेंडाइजर का होगा। सेल्समैन का वर्क होता हो जाता है, आपको काउंटर पे सेल्स करना रहता है, या कोई कपड़ा हो गया, ड्रेस हो गया, या फिर कुछ चॉकलेट वगैरह हो गया, ये सेल्समैन का वर्क हो गया। एक सेल्समैन आता है जो कि जो ड्राइवर से सेल्स ले जा करके दूसरे जगह, दूसरे कंपनी में, दूसरे दुकानों में, शॉप में वो जो सेल्स करते हैं वो ड्राइवर सेल्समैन होता है, ये मार्केट का सेल्समैन है। ओके, अब इसकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मर्चेंडाइजर में जो आपकी सैलरी है, इसमें यहाँ पे तो मेंशन नहीं किया गया है, वो इसके बाद मैं एक और वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बनाऊंगा, क्योंकि अभी ये आप लोग तक इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा दे रहा हूँ, डिटेल में इस पर एक और वीडियो में बनाना। मर्चेंडाइजर और सेल्समैन की सैलरी 1200-1300 रियाल है इसमें। ठीक है, 1200-1300 रियाल, और जो इसमें जो आपको रूम और इकामा जो है सब कंपनी बना करके देगी, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और इकामा, इंश्योरेंस सब कंपनी का रहेगा। ओके, क्लाइंट इंटरव्यू जो है 5 दिसंबर को होगा। जी हाँ, क्लाइंट इंटरव्यू डायरेक्ट फेस टू फेस होगा 5 दिसंबर को। ओके, तो अगर आप लोग मुंबई में हो तो ये मुंबई में होगा, एक लखनऊ या कोलकाता में इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट मुंबई में होगा। क्लाइंट इंटरव्यू होगा 5 दिसंबर को। ठीक है, 5 दिसंबर को क्लाइंट इंटरव्यू आप देना। ऑफिस कौन सा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिस का डिटेल और मोबाइल नंबर भी मैं डाल दूंगा। ओके, और एज जो है इसमें कम से कम 25, ज़्यादा से ज़्यादा 35, 25 से 35 साल के बीच में इसमें एज मांगा हुआ है, आप नीचे डिस्प्ले पे भी देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट जो होगा आपका 2 साल का होगा। 9 घंटे की ड्यूटी है इसमें, 9 घंटे ड्यूटी है, मतलब मैं आपको इसके बारे में भी एक चीज़ और बता देता हूँ, 10 घंटा टोटल वर्क होता है, जिसमें से 1 घंटा आपका लंच रहेगा, 9 घंटा आपका ड्यूटी बनता है। ओके, ये नहीं कि 9 घंटा ड्यूटी लिखा है तो आपको 9 घंटे में 1 घंटा लंच रहेगा, ऐसा नहीं है, 10 घंटा ड्यूटी हो जाता है, 10 घंटे में 1 घंटा आपका लंच रहेगा, 9 घंटा आपको काम करना है। ओके, ये हो गया इसके बारे में। दूसरी बात कर लेते हैं ऑफिस मासा मैन पावर में फिलहाल ये गया हुआ है। मासा मैन पावर ओरिजिनल पूरा मेन ऑफिस नहीं है, दूसरे ऑफिस से है, उसका ऑफिस का अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये जिस ऑफिस में गया है मासा मैन पावर में है, वहाँ का ऑफिस का मैं डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना और कॉल करके तुरंत आप लोग बात करके इसमें आप लोग अटेंड अगर करने वाले हो इंटरव्यू तो आप लोग इंटरव्यू दे देना। ओके, फिर भी अगर कोई सवाल होगा तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे डायरेक्ट आप लोग मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो। ओके, एक और चीज़, मैं किसी को वीज़ा नहीं देता हूँ, ना मैं किसी ऑफिस का मैं एजेंट हूँ, मुझे बस इन्फॉर्मेशन मिलती है कौन सी वीज़ा कौन सी ऑफिस में इंटरव्यू हो रहा है तो आप लोगों तक मैं पहुँचा देता हूँ। ओके, तो अगर फिर भी आप लोगों को कोई सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बारे में 5 दिसंबर की इंटरव्यू है,
एक दो दिन में मैं एक और वीडियो इस पर लेकर के आऊँगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ओके, अब जल्दी से जल्दी मैं और भी लेकर के आने वाला हूँ। अभी लेबर वगैरह का गया है, तो फिलहाल अभी सुपरमार्केट का ये है, तो इसके बाद में लेबर का भी वीडियो लेके आऊँगा। डिलीवरी ड्राइवर का गया है, लेकिन वो बाइक डिलीवरी ड्राइवर का है, अगर कोई आना चाहता है तो उसका भी मैं वीडियो बना के डाल लूँगा, बाइक डिलीवरी ड्राइवर का है। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, ऑफिस का डिटेल है, मोबाइल नंबर है, अगर अभी भी इंटरेस्टेड हो आने के लिए तो कॉल कर लो, बात कर लो, ठीक है। उसके बाद से आप क्लाइंट इंटरव्यू दे सकते हो। ओके, और एक चीज़, मैं दो दिन या तीन दिन में एक और वीडियो इस पर मैं बना करके लेके आऊँगा पूरा डिटेल में, ठीक है, कौन कौन से ऑफिस में गया, क्योंकि एक ऑफिस में तो होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस है बम्बई में, तो एक दो ऑफिस में और है तो उसका भी पता नहीं चला है, पता चलते एक और मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। फिलहाल जिसमें ये हो रहा है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल देता हूँ, ऑफिस का डिटेल के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। ओके, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और प्लीज़ दूसरों तक शेयर करो, क्योंकि चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो जितना आप सपोर्ट करोगे चैनल उतना ग्रो करेगा, और उतना ही वीडियो बनाने में उनसे और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, फिर भी कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हो सुपरमार्केट से रिलेटेड, क्योंकि मैं सुपरमार्केट में ही वर्क करता हूँ, तो आप लोग कुछ भी अगर पूछोगे सुपरमार्केट से रिलेटिव, तो मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन भी दूर कर दूंगा पूरी तरह से, मैं आप लोगों को सब कुछ मैं बताने के लिए हेल्प भी करूँगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हो, या फिर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो, वहाँ पर मुझे आप मैसेज भी डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर दो तीन दिन में एक और मैं वीडियो लेकर के आता हूँ इससे ही रिलेटिव।